तेजी से बढ़ते हुए कोरोना मामलों के मद्देनजर डिस्ट्रिक्ट राजौरी में एक बार फिर से लॉकडाउन किया गया है। राजौरी में बाजार तथा वाहनों की आवाजाही पर पाबंदी लगाई है। पीएनआई के लिए राजौरी से आकाश मलिक की रिपोर्ट। राजौरी में देखा गया कि काफी कल भी जो है 51 केसेस आए थे, उसके बाद जो है इमीडिएटली जो है लॉकडाउन कर दिया गया टाउन को, कुछ एरियाज को रेड जोन भी कर दिया गया। क्या बताएं, देखिए आप जानते होंगे ये पिछले 7 तारीख से लेकर आज तक जो हमें 112 केसेस आए हैं, उसमें जो है 46 केसेस ऐसे हैं जो क्लोज कॉन्टैक्ट था, 2 पॉजिटिव कंफर्म केसेस हमारे हैं जो दोनों जो है पुलिस पर्सनल हैं, और दोनों की जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो श्रीनगर से आए थे। बल्कि किस्मत हमारी ये कि उन्होंने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री जो है हाइड की और अपने लेवल पे उनने आके सैंपलिंग करवाई जीएमसी में, जब उनके रिजल्ट आए तो वो पॉजिटिव डिक्लेयर हुए। इमीडिएटली उसके बाद हमने उनके कॉन्टैक्ट्स को जो है ट्रेसिंग करना शुरू कर दी, और जब हमने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की, उनकी सैंपलिंग करवाई, तो सैंपलिंग के बाद जो है 46 ऐसे केसेस जो है कन्फर्म कोविड पॉजिटिव के निकले हैं जो उनके क्लोज कॉन्टैक्ट में थे। उन दोनों के खिलाफ जो है वो FIR लॉन्च की गई है, तो उनके खिलाफ जो एक्शन दिया जा रहा है। इसके साथ साथ कुछ केसेस हमारे ऐसे भी हैं जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। जैसे अगर बात की जाए तो 3 लेडीज यहाँ पे हैं, एक उनमें से प्रेगनेंट लेडी है, और 2 लेडीज जो कि उन्होंने जीएमसी विजिट किया था फॉर द पर्पज ऑफ सर्जरी, तो सर्जरी करने से पहले एज पर SOP उनके जो है कोविड टेस्ट करवाया गया था। जब उनका कोविड टेस्ट करवाया गया तो वो जो है वो पॉजिटिव निकली हैं, उनको कोविड केयर सेंटर में शिफ्ट किया है और उनकी जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जो है वो चल रही है। अगर बात की जाए रेड जोन्स की, तो अभी तक हमारे जो 5 रेड जोन्स हैं, कुछ हम और रेड जोन आज डिक्लेयर करने जा रहे हैं। 5 की तफसील इस तरह है कि गंभीर ब्राह्मणा जो है वो रेड जोन है, उसके साथ जो है नागेश ब्रिज वाला एरिया जो है वो रेड जोन है, इसके साथ हमारा जो है पीढ़ी वाला अभी तक रेड जोन चल रहा है। कोटरांका के अंदर जहाँ से हमारे लगभग 36 केसेस इसकी कोविड के जो है सामने आए हैं, वो वाला एरिया जो है रेड जोन में है, और सुंदरबनी के एरिया से भी 3 केस ऐसे आए हैं जिनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और उस सुंदरबनी टाउन को भी रेड जोन जो है वो डिक्लेयर किया गया है। इन तमाम एरियाज में जो है एग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और सैंपलिंग हो रही है, और बहुत ही तेजी से यहाँ पे सैंपलिंग करवाई जा रही है ताकि ये हम आइडेंटिफाई कर पाएं कहीं ये जो है इन्फेक्शन कम्युनिटी में स्प्रेड तो नहीं हुआ है। इसके साथ साथ जो हमारी मेडिकल सर्वेलेंस टीम्स जो है वो इन एरिया में घूम रही है, हेल्थ ऑडिट हो रहा है, हेल्थ चेकअप हो रहा है, जो लोग सिम्टोमेटिक पाए जा रहे हैं उनको इमीडिएट उनकी टेस्टिंग करवाई जा रही है, और इसके साथ साथ जो है लॉकडाउन के जो मेजर्स हैं उनको पूरी तरह से जो है वो इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। किसी भी लोगों को आने जाने की जो इजाज़त नहीं दी जा रही है, जहाँ जहाँ कहीं कमियाँ थी लॉकडाउन में, लॉकडाउन की रिस्ट्रिक्शन में, वो रिस्ट्रिक्शन जो है बिल्कुल इन्फोर्स की जा रही है। सर, एज पर सोर्सेज हमने ये सुना है कि एक लेडी जिसने किसी थर्ड पर्सन की ट्रैवल हिस्ट्री के लिए बताया था कि वो फलान जगह से आया है, और उसकी ट्रैवल हिस्ट्री बताए जाने के बाद वो बंदा पॉजिटिव आया था, और उसके घर आने के बाद उनसे मारपीट की गई इसीलिए क्योंकि उन्होंने उसकी ट्रैवल हिस्ट्री को बताया, एडमिनिस्ट्रेशन तक लाया। अगर ये बात साबित हो रही थी तो किस तरह की कार्रवाई की? ऐसा हमारे साथ ऐसी बात को पहुंची नहीं, अगर ऐसा कहीं हुआ है तो हमारे नोटिस में अगर आता है तो हम बिल्कुल उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया कि दो CRPF के, 2 IRP के जवान और 1 CRPF का जवान जो है जो श्रीनगर से आया था, उनके खिलाफ ऑलरेडी जो है यहाँ पे FIR लग चुकी है। देखिए जहाँ तक लॉकडाउन की बात है, चूंकि एज पर SOP जो एरिया हमने रेड जोन करने हैं वो एरिया तो रेड जोन हो चुके हैं। आज हम वार्ड नंबर 10 को रेड जोन डिक्लेयर कर रहे हैं, इसके साथ साथ खियोरा वाला एरिया भी है, मदीना कॉलोनी भी जो है रेड जोन हो जाएगी, और जोहर नगर एरिया भी रेड जोन हो जाएगा, क्योंकि इन तमाम एरिया से जो है कोविड पॉजिटिव केसेस जो है कंफर्म हुए हैं। इसके साथ साथ जो है बाकी जो इसके 500 रेडियस में जितने भी एरियाज पड़ता है उनको तो एक बफर जोन डिक्लेयर करेंगे, बफर जोन के साथ साथ अभी तक लॉकडाउन में रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें इसको कंटेन करने के लिए थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस करनी पड़ेंगी। इसमें कल से हो सकता है कि हम कुछ शॉप्स जो है खोलने की इजाज़त दें, मेडिकल शॉप्स खोलने की इजाज़त दें, अभी तक बाकी शॉप्स के बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। शाम तक इसकी असेसमेंट होने के बाद, और आज शाम तक जो रिपोर्ट्स आएंगी उन रिपोर्ट्स की एनालिसिस के बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। फिलहाल फर्दर कुछ दिनों के लिए जो है राजौरी टाउन जो है राजौरी म्यूनसिपलिटी में कहूँगा, दराहली ब्रिज से लेकर सलानी ब्रिज तक, खांडी ब्रिज तक जो है वो यहाँ ऊपर यूनिवर्सिटी तक जो है।